नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। सूर्य उपासना व दान पुण्य का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व गुरुवार को शहर में धूमधाम से मनाया गया। सुबह जल्दी उठकर लोगों ने स्नान किया और सूर्यदेव की उपासना की। गरीबों व पंडितों को तिल व खिचड़ी दान की। भगवान विष्णु की पूजा कर घर में सुख शांति व बाल समृद्धि की कामना की। घरों में तिल व गुड़ के लड्डू बनाए गए। बच्चों ने पतंग उड़ाई और खूब मौज मस्ती की। मकर संक्रांति का पर्व आज जनपद शाहजहांपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया तथा जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम और खिचड़ी का प्रसाद वितरण भी किया गया। शाहजहांपुर के बक्सरिया, छोटा चौक, बहादुरगंज, घंटाघर, विश्वनाथ मंदिर व शहीद पार्क में हलवा पूड़ी, खिचड़ी व दूध लोगों ने वितरित किए। जनपद शाहजहांपुर के प्रमुख समाज सेवियों, नेताओं व व्यापारियों ने भी जगह जगह मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रसाद वितरण किया गया। शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे प्रथम सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी शुभ अवसर पर हम सभी लोगों ने मिलकर आज खिचड़ी का प्रतिभोज रखा है यहाँ पर, और सुबह से हम लोगों का प्रोग्राम जारी है और शाम तक हम लोगों का प्रोग्राम इसी तरीके से, जो यहाँ असहाय गरीब छोटे दर्जे के जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन लोगों के बराबर हम लोग भोजन के तौर पर तहरी वितरित कर रहे हैं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि इसी क्रम में हम लोग कहाँ इस टाइप के लोग हैं, गरीब जनसे हुए, उनकी हर संभव मदद पूरी सदियों भर हम लोग करते जा रहे हैं और आगे भी बराबर हम लोग करते हैं। फिरोज भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? छोटू भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देना चाहता हूँ कि आज के पर्व पर सभी देशवासी मिलजुल कर ये खुशहाली का प्रतीक त्यौहार है, सबको इसकी चिंता करें। प्रोग्राम किया जा रहा है, ये देश में खुशहाली का प्रोग्राम है, इसीलिए चलाया जा रहा है।